एक महीने पहले ही शहीद कमांडेंट अपने घर से वापस ड्यूटी पर लौटे थे। प्रमोद कुमार के शहीद होने की खबर सुनने के बाद परिवार का रो रोकर बुरा हाल है। वहीं शहीद प्रमोद के पड़ोसियों का कहना था कि जब पिछली बार वो घर आए थे तो वो अपने परिवार को छोड़कर जाते और काफी दुखी थे। बिहार विधानसभा में जीएसटी बिल सर्वसम्मति से पास हो गया है। बिल पास होने से पहले बिहार विधानसभा में जीएसटी पर चर्चा की गई। तो जीएसटी बिल की बात कर रहे थे, यहाँ पर सर्वसम्मति से बिल पास हो गया है। यहाँ इस दौरान सीपीआई एमएल के सदस्यों ने विरोध भी किया। इसके अलावा बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2016 भी पास हो गया और विधानसभा ने नगर पालिका संशोधन विधेयक 2016 भी पास किया। आरंभ से ही हम लोगों ने जीएसटी के जो प्रावधान थे उसको समझते हुए सिद्धांत के तौर पर हम लोगों ने जीएसटी का समर्थन किया कि ऐसा टैक्स होना चाहिए, एकरूपता आनी चाहिए, एकरूपता आनी चाहिए। और इससे अभी तो केंद्र और राज्य दोनों एक ही चीज पर टैक्स नहीं ले सकते हैं, लेकिन अब इसमें संविधान संशोधन करके केंद्र और राज्य दोनों ले सकते हैं। गन्ना किसानों पर इंडिया 24/7 की खबर का असर हुआ है। इंडिया 24/7 की खबर के बाद यूपी सरकार केंद्र सरकार से गन्ने की फसल को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हटाने की मांग करेगी। शामली में किसानों ने शिकायत की थी कि गन्ने की फसल को पीएम फसल बीमा योजना में शामिल किए जाने से उन्हें नुकसान हो रहा है। किसानों ने यह भी मांग की थी कि गन्ने की फसल का बीमा अनिवार्य नहीं होना चाहिए, इसे किसानों की मर्जी पर छोड़ देना चाहिए। किसानों की मांग थी कि ये उनकी मर्जी पर छोड़ देना चाहिए कि वो गन्ना का बीमा कराएं या नहीं। इसे लेकर अब यूपी सरकार केंद्र सरकार से बात करेगी। जो कृषक बैंक से लोन लेते हैं उनकी अनिवार्य रूप से उनको बीमा कराना होगा, ये व्यवस्था उसमें है। लेकिन जो लोग जिन्होंने लोन नहीं लिया है उनको स्वैच्छिक रखा गया, यदि वो चाहेंगे तो बीमा कराएंगे अन्यथा नहीं कराएंगे। जहाँ तक मैंडेटरी की बात है, जिन लोगों ने लोन लिया है उसके लिए उनकी मांग को हम लोग उचित फोरम पर रखेंगे और ये भारत सरकार से अनुरोध करेंगे कि चूँकि वहाँ पर बाढ़ वगैरह नहीं आती है, उन लोगों की मांग है कि हम लोगों को इसमें मैंडेटरी रखा जाए, तो हम ये प्रयास करेंगे कि उनकी बात को माना जाए। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है, मान लीजिए अगर कभी उनका नुकसान होता है, किसी कारण से लॉस होता है, तो फिर उनको दिक्कत होगी। तो मेरे ख्याल से अगर भारत सरकार ने इसको सोच समझ के रखा है तो कृषक भाइयों को इसको मानना चाहिए। इंडिपेंडेंस डे के भाषण में जजों की नियुक्ति पर कुछ न बोले पर पीएम मोदी की आलोचना करने के बाद चीफ जस्टिस तेज ठाकुर की सोमवार रात पीएम मोदी से मुलाकात हुई। ये मुलाकात राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के एट होम कार्यक्रम में हुई। कार्यक्रम में पीएम मोदी और चीफ जस्टिस ने गर्मजोशी भरे माहौल में हंसी मजाक भी किया। एट होम कार्यक्रम से चंद घंटे पहले ही चीफ जस्टिस ने पीएम के इंडिपेंडेंस डे पर भाषण पर नाराजगी भी जताई थी। चीफ जस्टिस ने कहा था कि उन्होंने 1.5 घंटे तक पीएम मोदी का भाषण सुना और उसके बाद कानून मंत्री का भाषण भी सुना। चीफ जस्टिस का कहना था कि उन्हें उम्मीद थी कि वो जजों की नियुक्ति के बारे में कुछ तो बोलेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। आज आपने हमारे बहुत ही पॉपुलर और बड़े देशप्रिय प्राइम मिनिस्टर साहब का भाषण 1.5 घंटा सुना और लॉ मिनिस्टर साहब का भी सुना। मैं भी ये उम्मीद कर रहा था कि इंसाफ के बारे में कुछ शायद बात होगी, वो जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में बात होगी। वो देश में जिस तरह अंग्रेज़ों के वक्त में तो शायद 10 साल में एक मुकदमे का फैसला हो जाता था, अब वो नहीं हो रहा। अब तो केस इतने बढ़ गए, मुकदमे इतने बढ़ गए, लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई कि बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैंने बार बार ये गुजारिश की है कि ज़रा इसकी तरफ भी तवज्जो दीजिए।
प्रधानमंत्री पर चीफ जस्टिस के बयान को विपक्षी दलों ने सही करार दिया। विपक्षी दलों का कहना है कि कोर्ट में जजों की संख्या कम है, इससे सरकार को जजों की नियुक्ति जल्द करनी चाहिए। साथ ही उनका कहना है कि सरकार को मुख्य न्यायाधीश की बात भी सुननी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ठाकुर जी इस विषय में बहुत बार प्रधानमंत्री जी के नोटिस को लाए थे। वो आंखों से पानी निकाल के आंसू बहा के भी वो कहे थे कि इस देश के लोगों को अगर न्याय मिलना है तो जुडिशरी में ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंटमेंट करने की आवश्यकता है और जो जितने भी खाली जगह है वो भर्ती करने की भी आवश्यकता है। लेकिन इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि उनको लोगों की समस्याओं को हल करने से ज़्यादा अपनी पॉपुलैरिटी को रखना और वो चुनावी भाषण देना वही काम वो कर रहे हैं। अभी भी अपने आप को वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर समझ रहे हैं। हमें ये तो पता था कि विपक्ष को साथ तनी तनी है। मुझे ये भी मालूम था कि जो लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। जो स्टैंडिंग कमेटीज में वो बिल जाने चाहिए वो नहीं भेजते हैं और इसी तरह से ये उपेक्षा जुडिशरी की भी कर रहे हैं। जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें पूरी तरह से इन्होंने सेंध लगाई है जो कि बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। अगर उनके पास उनकी बातें नहीं सुनी जाएं, उनके मुद्दों पर प्रधानमंत्री नहीं बोले और प्रधानमंत्री सिर्फ ऐसी बातें बोले जिससे उनको लगता है कि बस लच्छेदार बातें हो, लोगों को अच्छा लगे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कम से कम जजों के अपॉइंटमेंट पे कोई ना कोई ऐसी गाइडलाइंस आना चाहिए कि जिसमें सरकारी पॉलिटिकल लोगों का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो और उनके इंडिपेंडेंट उनको होना चाहिए। मुझे लगता है कि ठाकुर साहब इन्हीं बातों के लिए बात करना चाहते होंगे, ये बिल्कुल ठीक है। उनको जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई ऐसा फैसला लेना चाहिए जो मुल्क की जुडिशरी में किसी को इंटरफेरेंस नहीं हो, वो इंडिपेंडेंट काम करे और इंसाफ लोगों को मिल सके। ठीक है कि कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी हुई जो उन्होंने बताई कि भाई बहुत सारे लोगों के अकाउंट खुल गए, काफ़ी सारे टॉयलेट बन गए वगैरह वगैरह, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं इसके बारे में कुछ नहीं बोला। तो चीफ जस्टिस ने ठीक ही बोला है कि भाई वो बहुत निराश हुए कि प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में न्यायपालिका और जजों की नियुक्ति का कोई जिक्र ही नहीं किया। सरकारी और निजी क्षेत्र के हजारों महिला कर्मचारियों को मैटरनिटी बेनिफिट का कानून राज्यसभा से पास हो चुका है। इसके तहत संगठित क्षेत्र की महिलाओं को मां बनने पर सैलरी के साथ 6 महीने की छुट्टी को जरूरी कर दिया गया है। अब सरकार ये फायदा घरेलू कामगारों जैसे असंगठित क्षेत्रों को भी देने की सोच रही है। जी हाँ, घर में झाड़ू बर्तन और सफाई का काम करने वाली महिलाओं जैसे असंगठित क्षेत्र की 10 करोड़ महिलाओं को भी इस सरकार इस नियम से जोड़ने की सोच रही है, यानी उन्हें भी मां बनने पर 6 महीने की छुट्टी सैलरी के साथ देना जरूरी हो जाएगा। सरकार अंशदायी मातृत्व लाभ योजना पर विचार कर रही है। इस स्कीम से खेतों में काम करने वाली, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करने वाली करोड़ों महिलाओं को फायदा होगा। गुजरात के ऊना में सोमवार को ही दलितों से मारपीट के मामले में पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया है। सोमवार शाम ऊना में सामतेर गांव में 20 दलितों पर भीड़ ने हमला किया था। हमले में 8 दलित गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों को भावनगर और राजुरा के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हमले का शिकार हुए सभी दलित सोमवार को ऊना में हुए दलित महासम्मेलन और विरोध प्रदर्शन रैली में हिस्सा लेने के बाद अपने घर लौट रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान सामतेर गांव के पास भीड़ ने हमला किया। पीड़ितों के मुताबिक हमला करने वाले सभी लोग सामतेर गांव के पास के रहने वाले थे और वो लोग पिछले महीने ऊना में हुई दलितों की पिटाई के मामले में गिरफ्तार 12 लोगों का बदला लेना चाहते थे। 11 जुलाई के ऊना दलित पिटाई कांड में गिरफ्तार 30 लोगों में से 12 लोग सामतेर गांव के रहने वाले हैं। एक महीने के भीतर दलितों पर हमले की 2-2 वारदात के बाद गुजरात सरकार विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है। विपक्षी दलों का कहना है कि गुजरात में कानून व्यवस्था का हाल ठीक नहीं है। मार्च निकाला वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न भी हो गया। घर वापिस लौटते हुए
ऐसे असामाजिक तत्व जो गोरक्षक नाम से हैं या जिसके नाम से भी हैं, वो हमला करते हैं उनके पास, नियत्थे शांति प्रिय लोगों के खिलाफ के विरुद्ध हमला करते हैं और पुलिस उसमें मूक दर्शक रहती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो बहुत ही शर्मनाक बात है। और राज्य सरकार, मुख्यमंत्री बदलने से क्या होता है, उनकी मानसिकता बदलनी चाहिए, वहाँ प्रशासन की मानसिकता बदलनी चाहिए। ये लड़ाई अब दलित अस्मितता की है, ये लड़ाई जब तक समाज में सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक जो मूलभूत जो उनकी मुद्दे हैं उनका समाधान नहीं होगा, ये चलता रहेगा। दलित प्रोटेस्ट चल रहे हैं गुजरात में, उस स्केल पर अब तक नहीं हुआ है। और एक चुनौती है बीजेपी और आरएसएस को, जिन्होंने दलितों की मानहानि ही नहीं, उत्पीड़न भी सहन किया है। अब आज अगर रोड ब्लॉक है तो क्या बीजेपी आरएसएस अपनी मानसिकता को बदलने के लिए तैयार है कि केवल राजनीतिक कारणों से दलित के समर्थन में वक्तव्य देती है? आप ऊना में पूछ लीजिए, जो दलित समाज है वो आपको इसका जवाब दे देगा कि बीजेपी के कथनी और करनी में क्या अंतर है इन मामलों में। बेंगलुरु में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के खिलाफ एबीवीपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। बेंगलुरु में पुलिस ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यहां शनिवार को हुए एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के कार्यक्रम में कश्मीर की आजादी के समर्थन में नारे लगाए जाने का आरोप है। प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को काबू करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। एबीवीपी कार्यकर्ताओं की मांग है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के कार्यक्रम में देश विरोधी नारेबाजी करने वालों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ आईपीसी की धारा 142, 143, 147, 124A, 153A और 149 के तहत केस दर्ज किया है। ओडिशा के भुवनेश्वर में महानदी विवाद को लेकर कांग्रेस ने आज प्रदेश में बंद का आह्वान किया। बंद को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज सुबह कांग्रेस कार्यकर्ता बंद को सफल बनाने के लिए सड़कों पर उतरे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हो गई। हंगामा कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को काबू करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। जालौर के साचौर में लूड़ी नदी के बहाव की वजह से लालपुरा गांव में फंसे सभी 31 लोग एनडीआरएफ ने उनको बाहर निकाल लिया है। वहीं माखूपुरा गांव में बस की छत पर बैठकर जान बचाने वाले 25 लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम ने लोगों के साथ साथ कुछ बेजुबानों को भी रेस्क्यू किया है। फिलहाल लूड़ी नदी में 7 फीट पानी बह रहा है। भारी बारिश के कारण राजस्थान के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। राजस्थान के जोधपुर जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण जोधपुर के कई गांवों में पानी भर गया है। नदियां उफान पर हैं और लोगों के घरों में पानी घुस गया है। घरों में पानी घुसने से आम लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। महापौर साहब से निवेदन करूंगा कि आज आपके वार्ड के अंदर संत आश्रम है, वो चार दिनों से डूबा हुआ है। महापौर साहब के घर जाकर के निवेदन किया था, फिर भी सुनवाई नहीं हुई। जिला कलेक्टर महोदय को ऐसे निवेदन कर चुके हैं, फिर भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो महापौर साहब से मेरा ये निवेदन है कि आपका वार्ड है, आप जोधपुर नगर निगम के महापौर हैं, इनको जल्दी से जल्दी निशान दिलाई जाए और इस समस्या का समाधान किया जाए। मध्य प्रदेश के रीवा के कई हिस्सों में 9 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। कलेक्टर ने हाई अलर्ट जारी कर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की अपील की है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। उधर जिला मुख्यालय में भी भारी बारिश से हालात बहुत खराब हैं। बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, यहाँ कई घरों में पानी घुस गया है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। प्रशासन बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाने की बात कर रहा है, लेकिन पटना के दनियावा प्रखंड में मदद नहीं मिलने से नाराज
बाढ़ पीड़ितों ने प्रदर्शन किया। बाढ़ पीड़ितों ने पानी में खड़े होकर नारेबाजी की। फल्गु नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना सिटी के दुनियावा ब्लॉक में कई इलाकों में पानी भर गया है। बाढ़ प्रभावित लोगों को जिला प्रशासन ने ना तो नाव मुहैया कराई है और ना ही लोगों को खाने पीने का सामान दिया गया है। कई दिनों तक जब लोगों तक को मदद नहीं पहुंची तो नाराज लोगों ने पानी में खड़े होकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के मुताबिक गांव तक आने जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है, चारों ओर पानी ही पानी है और दाने दाने को मोहताज है। इसके बाद भी प्रशासन ने अब तक उनकी सुध नहीं ली है। सीओ साहब यहाँ आए भी थे, देखे भी थे, फिर भी सीओ साहब कोई व्यवस्था नहीं किए। यहाँ तक की खाना तो छोड़ दीजिए, नाव तक की व्यवस्था नहीं की। क्या आप बड़े अधिकारी किसी को सुन डीओ साहब के भी मैंने कल कहा था, लेकिन पता नहीं डीओ साहब सीओ साहब बोले या ना बोले, ये हमको जानकारी नहीं। तो क्या स्थिति है भैया? स्थिति तो दयनीय स्थिति है, ये है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने नहीं आया अभी तक प्रशासन के लोग। सीओ के ये बनता है क्या करके देखे क्या ये लोग के समस्या है, अभी तक नहीं आया है। देख करके गिए कि जब मार बहुत जोर आ रहा है पानी आइला में भी देख करके गिए कि कल नहीं देंगे, तब ही नहीं दिए, देखे चल गया घटहरपन बन के। हम तो कहे जब पर्दा पानी जाते हैं इन्ने सोने आते हैं भर भर कमर पानी में जाते हैं, हेल करके पर्दा पानी के लिए बाल बच्चे एकदम ऐसी धाता है डूबता है जाते हैं, मगर नहीं दिया हम लोग। यही हम चाह रहे हैं कि हमको नहीं दीजिए, हमको राशन दीजिए, राशन दीजिए, हम यही खोज रहे हैं भैया। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर है। इन उफनती नदियों के बीच कैसे लोग अपनी जिंदगी जोखिम में डालने को मजबूर हैं, ये ताजा तस्वीरें देखिए उत्तराखंड के पौड़ी जिले के रिखड़ी खाल की। यहां मंडाल नदी पर पानी जो पुल बना हुआ था 2010 में भारी बारिश की वजह से टूट गया, लेकिन 6 साल बाद भी ये पुल नहीं बना है। इस साल भारी बारिश के कारण नदी उफान पर है, तब भी लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार करने के लिए मजबूर हैं। यहाँ लोग अपने बच्चों को कंधों पर बैठाकर नदी पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे बच्चे स्कूल जा सके। 4 दिन पहले एक स्कूली छात्र मंडाल नदी में तेज बहाव में बह गया था, नदी में डूबने से बच्चे की मौत हुई। 2010 में एक झड़त में और एक बंजा देवी में पुल बह गए थे, और उसी के साथ साथ ये 7 पुल बहे थे, उनमें से कुछ पुल तो बन गए हैं लेकिन ये 2-3 पुल नहीं बन पाए हैं। तो ये जो झड़त वाला पुल है इसमें निश्चित रूप से अभी सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया। कई बार विधानसभा में मेरे प्रश्न उठाने के बावजूद भी और आपदा में इसका सर्वेक्षण करने के बावजूद और तत्कालीन मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी के घोषणा के बाद भी जो है यहाँ पर जो है उसमें काम नहीं किया। जो बड़ी बड़ी योजना उसके लिए हमने प्रस्ताव तैयार करा रखे हैं और जो ही बजट प्राप्त होगा उनमें काम शुरू करेंगे। मंडाल नदी की भी वही है कंडीशन, तो वो हम मंगा लेंगे, एस्टिमेट मंगा लेंगे और आग्रहण मंगा के उसमें कार्रवाई करेंगे कि ताकि जो आम जनता को कोई दिक्कत न हो, जाड़े के दिन बरसात के दिनों में जब नदी उफान पर आ जाती है उनको किसी तरह की जनहानि न हो। उत्तर प्रदेश के चंदौली में सड़क हादसे में स्कूली बच्चों की जान बाल बाल बच गई। चंदौली में अल्लापुरा गांव के पास बच्चों से भरी एक स्कूल बस सड़क के किनारे गड्ढे में गिर गई। बस में 20 बच्चे सवार थे। हादसे के बाद बच्चों की चीख पुकार सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण ने मौके पर पहुंचे और बच्चों को बस से निकाला। हादसे में 9 बच्चे घायल हुए हैं, घायलों में 3 बच्चों की हालत काफी गंभीर है। कुछ बच्चों को फर्स्ट एड के बाद घर भेज दिया गया है, जबकि गंभीर रूप से बच्चों को प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। दरौली रोड से जा रही थी चंदौली के लिए, बस पलटने के कारण कुछ गड्ढे हो गए हैं रोड पे और बस वाले ने बोलेरो को साइड देने की कोशिश की, इसलिए उसका स्टीयरिंग फेल हो गया और वो गड्ढे में चले गए। कुछ लड़के 10-15-20 लड़के करीब थे इसमें और 4-5 लोग की हालत गंभीर है। सर इसको तो हम बहुत बड़ा हादसा मानते हैं क्योंकि बार बार रोड खराब होने की वजह से, बारिश होने की वजह से दुर्घटना हो रही है सर। यूपी के सहारनपुर के बेहट इलाके में बीती रात 2 पक्षों के बीच मारपीट के बाद तनाव है। यहां बीती रात 2 गुटों के बीच फायरिंग और पथराव हुआ, हंगामे में 1 दर्जन लोग घायल हो गए। उसद गांव में एक लड़की पिछले कुछ दिनों से गायब थी, लड़की की गुमशुदगी के बाद घर वालों को दूसरे पक्ष के लड़के पर शक था, इसी को लेकर पंचायत हो रही थी। पंचायत के दौरान विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। झगड़ा बढ़ा तो हंगामे को काबू करने के लिए कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। हालात को काबू में लाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ साथ पीएसएफ मौके पर तैनात है। पुलिस ने पथराव करने के आरोप में 30 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है।
देश का कोई भी राज्य हो, ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था हर जगह बदहाल है। मध्य प्रदेश के मुरैना में डॉक्टरों की लापरवाही से 24 बच्चों की जान खतरे में है। यहाँ इंजेक्शन लगाने के बाद अस्पताल में भर्ती करीब 24 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। एक बच्चे की हालत ज्यादा खराब होने पर उसे इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया। ये सभी बच्चे मौसमी बीमारी की चपेट में हैं। अस्पताल में इन बच्चों को डॉक्टर ने सीटोफोटेसिक नाम का इंजेक्शन लगाया था, जिसके बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद अस्पताल में अफरातफरी मच गई। बच्चों को परिवार वाले रोने बिलखने लगे और बच्चों की हालत बिगड़ने पर अस्पताल में डॉक्टरों ने मोर्चा संभाल लिया और बच्चों का इलाज करना शुरू किया। घटना की सूचना मिलते ही प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह बच्चों का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। मुरैना में हुई इस घटना के बाद पूरे मध्य प्रदेश में सीफोटेक्सिन इंजेक्शन के इस्तेमाल पर पूरे प्रदेश में रोक लगा दी गई है और मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जो भी उसके लिए जवाबदार कहलाएगा उस पर सख्त कार्रवाई भी करेंगे। और इस तरह के इंजेक्शन जो यहाँ है, जिसकी वजह से हुआ है, मैं अभी भोपाल में सीनियर ऑफिसर्स को, डायरेक्टर और हेल्थ कमीशन वगैरह को बोलूँगा, इस इंजेक्शन की पूरे प्रदेश के डॉक्टर यहाँ भी हैं। मध्य प्रदेश सरकार गरीबों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने का दावा करती है, लेकिन शाजापुर में मासूम बेटियों को छत नसीब नहीं हुई है। अपनी बेटियों को सुरक्षित छत दिलाने के लिए उनके पिता ने शासन से मदद की गुहार लगा रहा है। आपको ये भी बता दें कि मोहन बड़ोदिया में रहने वाले साहिब लाल की पत्नी की 2 साल पहले मौत हो चुकी है। साहिब लाल की 2 बेटियां हैं। पहली बेटी की उम्र 8 साल है, दूसरी बेटी की उम्र 6 साल है। साहिब लाल के पास रहने का कोई मकान नहीं। अपनी मासूम बेटियों के साथ वो खुले आसमान के पेड़ के नीचे रह रहा है।